एक्टिविस्ट हूँ। तो आपको कौन सी अप्रोच सही लगती है अगर आपसे कोई वीगनिज्म के बारे में बात करे कि यार देखो जानवरों को दर्द होता है, जितना हो सके कम कर लो, कोई बात नहीं, मतलब 7 दिन नहीं छोड़ सकते, 6 दिन छोड़ दो, 5 दिन छोड़ दो, आपको वो अप्रोच सही लगती है या दूसरी अप्रोच है आपको वीगन होना ही होगा, या तो वीगन हो जाओ या आप बंदे ही गलत हो, आपको दोनों में से कौन सी अप्रोच बेहतर लगती है? देखो एक तो ये चीज़ है कि मतलब वीगन हो जाओ या तुम बंदे गलत हो, ये तो मतलब थोड़ा पर्सनल इशू भी हो गया कि मतलब हम कोई वो ऐसा सोच ऐसी होती है कि हमको फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, कोई हमारे बारे में अच्छा सोचा बुरा सोचा, एक वो स्टेज आती है, अगर ऐसी स्टेज मेरे अंदर है तो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। तो अगर मैं ऐसा कर सकूँ कि मैं हफ्ते में 2-4 दिन छोड़ दूँ तो वो काफ़ी बेहतर होगा। तो जो इसे मैं वीगनिस्ट कहता हूँ जैसे, तो जो वीगन एक्टिविस्ट हैं ये मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, ये कहते हैं कि वीगनिस्ट क्या है। तो आपके हिसाब से वीगनिस्ट ज़्यादा इफेक्टिव? अब ये आपके, अब देखो हम अवेयरनेस बेच रहे हैं, आप और मैं दोनों अवेयरनेस बेच रहे हैं, हम सेल्समैन हैं, ये आप, ये हमारे कस्टमर है, कस्टमर कह रहा है इसको मेरी अप्रोच पसंद है, तो मुझे बताओ कि फिर आप लोगों की क्या समस्या है? मैं ये कहता हूँ देखो कस्टमर वो अपना रास्ता खुद चुन लेगा, हमें उनको ऑप्शन नहीं देना चाहिए कि आप वीगनिस्ट बनो या फिर आप धीरे धीरे छोड़ो, वो अपने से चॉइस अपना है। मेरा है सामान बेचना, मैंने सामान बेच दिया, अब उसको कैसे उससे यूज करना है वो अपना। आपने सामान कहाँ बेचा? आपने तो प्रोडक्ट का ब्रोशर दिखाया। हाँ दिखा दिया, पर आपने ये नहीं बताया कि उनको प्रोडक्ट मिल कैसे सकता है। मैं उनको एक आसान रास्ता बता रहा हूँ, उनको आसान हुआ रास्ता आप खुद ढूंढेंगे, वो हमें उनको क्रियलिटी के बारे में बताना है, हमको उनको सारा चीज बताना है, उनको अवेयर कराना है, दे विल फाइंड देयर ओन पाथ। कभी-कभी ऐसा होता ना जैसे मैं चाहता हूँ लेकिन मेरे को एक पुश चाहिए, आपने मेरे को एक बात बताई, मैं वो आपकी बात सुनी, मैं भूल गया, मेरे को कोई पुश नहीं मिला, 2 मिनट के लिए मैं हाँ चलो करना है, आपकी बात नहीं सुनी मैं भूल गया, बस बात खत्म, मैं वहीं डंडा पड़ गया। तो एक जो पुश चाहिए ना वो बहुत जरूरी है, और वीगनिस्ट जो है उसने आपको वो पुश दिया काफी, मतलब कोशिश करी मैंने। लेकिन वीगनिस्ट मतलब कि तुम दैट इज नॉट द एंड पॉइंट, दैट इज नॉट द एंड पॉइंट, हम तो सिर्फ स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज अ जर्नी, that is a journey that a person decides for himself. shuru to kare koi journey kuch nahi se kuch to kare wo nahi lekin as an activist jaise for example agar koi crime kar raha ji koi crime kar raha to main usko bolunga ki tum ek din crime karo baki din mat karo to crime to crime hi hai crime to crime hai to isliye hame kehna hai ki crime mat karo baki wo ek din karega ya 2 din karega hafte mein nahi karega uski marzi hai to to ek personal matter hai as an activist hame na ye message na कि नहीं करना, ये मैसेज सेंड करना है, जब वो पर्सन वो अपना करेगा चाहे वो आपका मैसेज इफेक्टिव हो या ना हो। ये क्या बात हुई? ये तो फिर वो वाली बात हो गई, मैंने बोला तुमने सुन लिया ठीक है नहीं, हाँ ये क्या बात हुई फिर, तो बात तो ये होगी कि हमें अपने दिल की बात थोड़ा करनी है, हमारे को तो ये है कि अगर 7 की जगह 6 डाके डले तो बेहतर है या नहीं है, तो डाके डाके ये लेकिन 6 बेहतर है या 7 बेहतर है, तो इसमें सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, 6 डाके बेहतर है या 7 डाके बेहतर है, बेहतर है ही नहीं, दोनों है ही नहीं बेहतर, अरे दोनों में से, दोनों में यही दो चॉइस हैं। देखिए देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि दूध में क्रुएल्टी, आप कह रहे हो भाई बंदा 6 बंदे मार रहा है, आप कहोगे कि तू यार 7 मार ले, 6 या 7 में एक जिंदगी बचती है, उससे कोई फर्क नहीं है। जैसे ऐसा हुआ आपने उसको कहा कि भाई तू मत मार, आपने इतना बोल दिया, हाँ बोल दिया, इन्होंने उनको 2 करने से रोक लिया, तो हो सकता है मैंने 10 करने से भी रोक लिया होगा या फिर 1 करने से रोक लिया, आपने सिर्फ बोला और छोड़ दिया, इन्होंने अपनी पावर से रोक लिया उसको 2 मर्डर, वो भी हो सकता कि नहीं हो सकता, जैसे इन्होंने कहा कि बिजनेस बनो, इसमें क्या चांस है कि आप बिजनेस बनेंगे, आप घर जाएंगे भूल जाएंगे, उनके अनुसार इसमें चांस ज्यादा है,